नहीं दिया गया। आपको मालूम है, हम कई बार आपसे इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि 2013 के कानून के तहत आपने पूरा मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की जरूरत है, तो आपने पुनर्वास की व्यवस्था तो दूर, आपने मुआवजा तक नहीं दिया। और आप बार बार ये कहते गए कि आपसी सहमति में ये बांध बना है, लोगों ने सहमति का भरा है। अगर ये लोग सहमत थे तो एसपी साहब को बार बार वहां पुलिस को भेजनी पड़ी। वो सहमति पुलिस के बल पर बनाने की कोशिश की गई। अगर लोग सहमत थे तो आए दिन वहां के जो है ना, कितने बार पुलिस गए आपके यहां, चार पांच बार वहां पुलिस को जानी पड़ी। तो ये जो है, ये विकास के योजना पुलिस के बल पर नहीं बन सकते। इन संबंध में स्पष्ट कानून है, स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं। आप उनका जो है, आप या तो अपन ये घोषणा कर दें कि बुरहानपुर जिले में देश के कानून नहीं लागू होते हैं, अगर वो है तो फिर हम आपको और तकलीफ नहीं देंगे आइंदा। और अगर देश के कानून लागू होते हैं तो फिर आपसे फिर से अनुरोध है कि ये करदली का 6 महीने हो गए इनके डूबे, इनके जमीनें डूबे, इनके घर डूबे, और 6 महीने बाद भी जो काम 6 महीने डूब से 6 महीने पहले करना था, कानून में नियम में यह है कि विस्थापन के 6 महीने पहले पुनर्वास हो जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था है। 6 महीने पहले के बजाय 6 महीने बाद भी इनका जो है कोई पुनर्वास नहीं हुआ, उनका मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया किसी को मिला है कि करदली में? तो इनको 2013 के अधिनियम के अनुसार मुआवजा पुनर्वास दिया जाए। ग्राम सभाओं का गठन, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996, जो पीसा कानून भी कहलाता है, के धारा 4 के ख और ग, वो मध्य प्रदेश जो अपना पंचायत जो कानून चले नहीं, जो भी जिससे भी सरपंच चले, जो भी पंचायती कानून, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के धारा 129 क और ख के मुताबिक हर गांव में पृथक ग्राम सभा होना अनिवार्य है। पर हर गांव में ग्राम सभा ही नहीं है, पंचायत में एक ग्राम सभा है, बल्कि अलग अलग समुदाय अपने पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार अलग अलग ग्राम सभा भी चला सकते हैं। हमारे पास वो प्रावधान है, आप 129 क और ख, अगर आपको इसके बारे में कोई शंका है तो हम आपको वो प्रावधान की कॉपी भी आपको बता देंगे। नहीं ठीक है, अगर बाद में, तो अगर मान लीजिए कि एक गांव है जिसमें कई प्रकार के समाज रहते हैं और उसमें एक आदिवासी समाज भी रहता है, उस आदिवासी समाज को अपना ग्राम सभा, अलग ग्राम सभा करने का भी अधिकार बनता है पीसा कानून के तहत। वो अपने परंपरा के अनुसार, अपने व्यवस्था के अनुसार वो कर सकता है। और ये तो मध्य प्रदेश में तो वैसे भी अनिवार्य ही है कि हर गांव में अलग ग्राम सभा होगा, तो कई गांव ऐसे हैं जिसमें अलग ग्राम सभा का गठन नहीं हुआ है। इस संबंध में कम से कम 1 महीने से नेपा एसडीएम को आवेदन दिए गए हैं, लेकिन 1 महीने बाद भी नेपा एसडीएम इस संबंध में कोई ठोस व्यवस्था या कोई ठोस बात नहीं बता पा रहे। 1996 के धारा 4 ख और ग तथा मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के धारा 129 क और ख के मुताबिक हर गांव में पृथक ग्राम सभा होना अनिवार्य है, बल्कि अलग अलग समुदाय अपने पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार अलग अलग ग्राम सभा भी चला सकते हैं। परंतु ग्रामीणों द्वारा मांग करने के बावजूद कई गांवों में ग्राम स्तरीय ग्राम सभा का गठन ही नहीं हुआ है। कई गांव में आदिवासी मोहल्ले द्वारा उपरोक्त कानूनों के अनुसार पृथक ग्राम सभा की मांग की गई है, परंतु इस संबंध में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में खकनार, मानक्रिया खेड़ा, पलासपानी, टांग्यापाट, बोरखेड़ा, खेरखेड़ा, जामनिया, सिवेल, हैदरपुर के ग्रामीणों के आवेदन पर अति शीघ्र कार्रवाई की जाए और पृथक ग्राम सभा का व्यवस्था की जाए। आदिवासी इलाकों में सरकारी विकास योजना में कमियां,
आदिवासी गांव में कोई भी विकास योजना सही ढंग से नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड भी में बड़ी संख्या में नाम छूट गए हैं, यानी कि एक परिवार का कार्ड बना ही नहीं है, लेकिन यह कार्ड बना है। उस परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं, 4 लोगों का नाम उस कार्ड में है और 6 लोगों का नाम गायब है। उसके लिए ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए, उसका अपडेशन एक युद्ध स्तर पर किया जाए, एक अभियान चलाया जाए उस अपडेशन का, जिसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे और ये जो है सबके नाम उसमें जोड़ा जाए। मनरेगा के तहत किसी भी गांव में काम नहीं खोले जा रहे हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आदिवासी पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। हमारे साथ कई सरपंच भी हैं, उनका कहना है कि हम जो योजना देते हैं उसका एस्टिमेट नहीं बनाया जाता है, हमारी बात नहीं मानी जाती है। शासन का झूठा दावा है कि 100% विद्युतीकरण हुआ है इस देश में। हमारे गांव के अधिकांश हिस्से में आज भी बिजली नहीं है। टांग्यापाट, नांदिया, माल, राजानका की खेरखेड़ा है ना, मांडवा इत्यादि गांव के सभी फलिया में बिजली कब आएगा? एक फलिया, दो फलिया, आदिवासी फलिया छूट जाता है गांव के इसमें। मांडवा में अभी 100 घर हैं जिसमें बिजली नहीं है, जबकि मांडवा पर रेलवे स्टेशन भी है। 150 घर हैं जिसमें बिजली नहीं है, जबकि वो एक मतलब रास्ते का गांव है, वहां रेलवे स्टेशन है और तब बिजली अभी तक नहीं है। जिन आदिवासी गांव में बिजली है वहां के एक दो फलिया वंचित ही रहे हैं। बिजली बिलों का लूट अभी भी चल रही है। बिजली बिल ज्यादा बॉडी नहीं भी आए रहे कि जिसके बारे में हम आपको कई बार भी बता चुके हैं। तो आप एक एक पॉइंट बताएं। हाँ सिरे कोई पकड़ लो भाई। आज नौ बिंदुओं पे चर्चा हुई है। पहले तो आप लोग ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हम और आप अलग अलग हैं, समझ रहे हैं? हम आप ही के लिए हैं और आपके जिले में ही है। जब आप रहोगे तब जिला रहेगा, आप ही नहीं रहोगे तो जिला काहे का रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये स्पष्ट कर लीजिएगा, प्रशासन आपके लिए है और आप ही के बीच से है। ढेर सारे बिंदुओं पे बात हुई है। आपके DFO चूंकि ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, अब वो 3-4 महीने आएंगे नहीं। DFO प्रोडक्शन खंडवा के पास चार्ज है, मेरी उनसे बात हुई है, परसों आएंगे। कल उनके यहाँ कुछ एक्शन है इसलिए कल वो आएंगे नहीं, नहीं तो उनको मैंने कल ही बुलाया था, परसों आएंगे। और SDO फारेस्ट उनकी तरफ से आए हुए हैं, मैंने उनको भी बोला हुआ है। और आपके जो लोग ये जो बिंदु आपने लिखे हुए हैं उन बिंदुओं पर हम उनसे व्यक्तिगत एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे DFO साहब से, कि जो चीज़ें आपने लिखी हैं चाहे वो सामुदायिक दावे की हों, चाहे वो व्यक्तिगत दावे की हों, या किसी आदिवासी देवस्थल को नष्ट करने की बात हो या किसी को बंधक बनाने की बात हो, वो सारे बिंदुओं पे एक एक चीज़ें हम लोग बात करेंगे। SP साहब भी साथ में हैं और वो भी देखेंगे कि क्या किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो, ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सामुदायिक दावे की बात की गई है, लगभग 135-140 सामुदायिक दावे मेरे पास आए थे और ये दावे आपके बीच से ही लोगों ने दस्तखत करके भेजे थे। वो दावे हमने दस्तखत कर दिए, आप लोगों के बीच में भिजवा दिए। इसके बाद भी अभी मेरी जो फारस के लोगों से बात हो रही थी, कोई चीज़ अंतिम नहीं है। अगर अपने को लगता है कि सामुदायिक दावे की संख्या कम है और सामुदायिक दावे ज़्यादा हैं और ज़्यादा दावे आने चाहिए, तो SDO फारस को मैंने बोला है, DFO साहब भी परसों आ जाएंगे, कि अगर और दावे हमको लोगों के बीच से बुलाने हैं तो आप ही लोगों के बीच की जो कमेटी है वो और दावे प्रस्तुत कर दे, उनका परीक्षण करा लेंगे और जिनको पात्रता बनेगी जिस सेक्शन को एक्ट के तहत दे सकते होंगे हम लोग, उन और दावे भी दे देंगे, ठीक है? अभी पूरे दावे की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। जो व्यक्तिगत दावे हैं उसमें कुछ पट्टे, जिस दिन हमारा आदिवासी दिवस उत्सव था उस दिन कुछ पट्टे हमने खकनार में दे भी दिए थे, आप लोगों में से भी लोग आए रहे होंगे उस उत्सव में निश्चित रूप से, और कुछ बाकी जो है उनका परीक्षण चल रहा है। इस बीच में चूंकि DFO चले गए हैं, थोड़ा सा व्यवधान आया हुआ है,
अधिकारी भी नहीं थे, एसी ट्राइबल भी 3-4 महीने छुट्टी पे थी रंजना सिंह, वो भी लौट के आ चुकी है छुट्टी से, तो उनको भी मैंने बोला हुआ है कि अब नए DFO और एसी ट्राइबल ये लोग बैठ करके और SDM साथ में बैठ करके जिनके भी पात्रता बनती है वो हम लोग दावे का आपके निराकरण कराएंगे। करदली डैम में जो मैडम बोल रही थी, जब आपसे चर्चा हुई थी उसके बाद से किसी को उसके बीच बाद से काम ही रुका हुआ था और बिना सहमति के बिना भुगतान के कोई भी काम किसी की ज़मीन पर नहीं करेंगे। हम आज उस दिन में मैंने एश्योर किया था और आज फिर आपको एश्योर किया। सुन लो, अब पब्लिक प्लेस पे अपन वो नहीं करेंगे ना, बात विवाद नहीं करेंगे, अभी आपसे बैठ के बात करेंगे। ग्राम सभा प्रत्येक गाँव की होनी चाहिए, ग्राम सभा प्रत्येक पंचायत की नहीं, प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा बुलाने का प्रावधान है। तो जो दावे के बारे में बात की जा रही, चाहे सामुदायिक दावा हो चाहे व्यक्तिगत दावा हो, उसमें हम ग्राम वार ग्राम सभा कर देंगे। आपके लोग परसों DFO साहब के साथ बैठेंगे, आपके कुछ लोग आ जाएंगे, बता देंगे किन किन गांव में हमको ग्राम सभा बुलानी है, हम उस गांव में गांव की ग्राम सभा बुलाएंगे, ना कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम सभा बुलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपने एक पॉइंट और उठाया कि जो कार्ड है राशन कार्ड, उस पर लोगों के नाम छूटे हुए हैं। आप कोई बात, जो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ग्राम पंचायत आपकी जिस गांव में भी किसी अगर एक व्यक्ति का भी राशन कार्ड में नाम छूटा हुआ है, आप उनको गांव के नाम बता दीजिए, हम वहां पर फूड ऑफिसर को फूड की पूरी टीम को भेज देंगे, अगर किसी का नाम छूटा हुआ तो हम उसका नाम सर्वे करा के जोड़ देंगे ताकि आपको मिल सके। दूसरी चीज़, जो विद्युतीकरण का मुद्दा उठाया गया, विद्युतीकरण में 100% क्लेम जरूर किया गया है, अगर कोई फलिया छूटी हुई है हम MPB के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भेजेंगे, आपके लोग जाना चाहें तो वो भी आप उनको चले जाइएगा, आप बता दीजिए जो फलिया विद्युतीकरण के लिए छूटी हुई है वो फलिया हम विद्युतीकरण 100% चूँकि शासन का लक्ष्य है तो उस फलिया तक भी विद्युत व्यवस्था कराएंगे। जो आप लोग बिल की बात कर रहे हो, बिल आपको पता होगा कि संबल योजना में कितने लोगों के, जरा मुझे बताएंगे संबल योजना में कितने लोगों के कार्ड बने हैं, जो आप लोगों में से हाथ उठाएगा कोई, संबल के कार्ड कितने लोगों के बने हैं? नहीं नहीं, जिनके कार्ड बने हैं वो लोग हाथ उठाए, जिनके बने पंजन कार्ड, साथी गरीबी रेखा नहीं, उनका जो ना गरीबी रेखा नहीं, संबल के मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के कार्ड इस जिले में 2.5 लाख हितग्राही, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो लोग संबल के कार्ड हैं उनकी बात कर रहा हूँ। संबल में जिनका पंजीयन हुआ है, जिनमें प्रसूति सहायता मिलनी है, जिसमें अंत्येष्टि सहायता मिलनी है, कर्मकार मंडल, अगर आपको समझ में आता है तो कर्मकार मंडल समझ लीजिए या जन कल्याण समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो लोग बैठे हैं उसमें हो सकता है 2-5% किसी का नाम ना हो, नहीं तो मैक्सिमम लोगों के नाम संबल योजना में है। ठीक है, अगर नहीं है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, अगर नहीं है तो हम संबल के लिए फिर से टीम भेज देंगे, ठीक है। आपका खगनार इलाका तो पूरी तरह से आदिवासी बेल्ट है, नोटिफाइड है, ट्राइबल ब्लॉक ही है और वहाँ के सारे सरपंच भी आदिवासी वर्ग से ही हैं, तो अगर किसी का संबल का कार्ड नहीं बना है तो आप संबल का कार्ड हम भेज देते हैं टीम, पात्रता उनकी निश्चित रूप से मैक्सिमम लोगों की बनती होगी, उनके कार्ड बनवा देंगे तो आपको बिजली की छूट मिलने लगेगी। तो बिजली का बिल में पता ही आपको कि 200 रुपये जमा करने हैं, बाकी शासन भरपाई करेगी, बिजली का बिल माफ हो जाएगा। तो जिनके कार्ड नहीं बने हैं उनके कार्ड हम बनवा देंगे, कार्ड बनने के बाद ही आपको संबल का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको कहनी है। पहले आखिरी बात से शुरू करते हैं, आपने बोला कि 200 रुपए का, हम इस योजना के बारे में हमारा ये सवाल है कि जिस आदिवासी का 0 बिल आना था, अब वो 200 रुपए माने कि कम से कम 25 यूनिट बिजली से ज्यादा तो जलेगा ही, तो अब आदिवासी बिजली जला रहा है नहीं जला रहा है और उसको जो है 200 रुपए, तो ये हम नहीं मानते कि विकास हुआ है, हम ये मानते हैं कि पहले का योजना जिसमें 25 यूनिट से ज्यादा के बाद ही बिल होता था वो योजना बेहतर था, उसको चलने नहीं दिया, उसमें अनशन बिल देने लग गए और उस अनशन बिल से एक जैसे दुकानदार पहले 50 रुपए का चीज का भाव 500 बताता है और फिर आप वो बोल देता है कि चलो तुम्हारे लिए मैं दे देता हूँ 300 में, है ना, उस तरह से ये संबल योजना है ना। तो ये संबल योजना के में किसी का फायदा नहीं है, पहले आप 50 के चीज को 500 में बेचो, 500 का भाव बताओ
और फिर बड़ी मेहरबानी से उसको 300 पढ़ लाओ। तो ये जो है ये कोई अच्छी योजना नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा आपने कई चीजों के बारे में आपने बात नहीं किया कलेक्टर साहब। एक जो पॉइंट नंबर दो है कि वन विभाग द्वारा जो हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और उन हमले को रोकने के बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी। तीसरा, करदली डैम बंद है क्योंकि लोग उसको रोके हैं, लेकिन वो डूब चुके हैं, उनका मुआवजा कहाँ है? वो डूब चुके हैं, आपने बांध नहीं बांधा, अगले बारिश में वो बांध टूट के पूरा खकनार को भी लेके जाए, आपने उसका कोई भरोसा नहीं है। पर वो कच्चा है अभी, और उनका वो जो डूब चुके हैं उनका मुआवजा कहाँ है, उनका पुनर्वास कहाँ है, उसके बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। फारिस का जो मुद्दा है मैंने पहले बता दिया कि डीएफओ साहब को परसों बुलाया है, आएंगे तो फारिस के सारे मुद्दों पर उनसे बात होगी, चाहे वो अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे किसी का मैंने पहले बता दिया तो किसी देवस्थल तोड़ने का हो, जबरदस्ती करने को, सारे मुद्दे पे डीएफओ से ही बात होगी। डीएफओ परसों आएंगे, ठीक है। अब डीएफओ जब आएंगे एसपी साहब भी रहेंगे, ट्राइबल के लोग भी रहेंगे, एसडीएम भी रहेंगे, और उनसे बात अवाब के लोग भी आ जाएंगे, तो उनके सामने ही बात हो जाएगी कि क्या चीज, तो वो बताएंगे ना कि क्या क्या कार्रवाई होनी है। और जो आप कर दे रहे हैं नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी, डीएफओ से बैठ के डीएफओ और आपके साथ, ना कहीं के बाहर के डीएफओ ना कहीं बाहर की पुलिस, पुलिस भी आप ही के प्रदेश की, आप ही के जिले के लोग, ठीक है, और ना किसी से कोई किसी को वैर भाव है, आप ही के बीच का कोई आदमी नेपा नगर वाला आदमी जो है वो शाहपुर में पदस्थ है, और शाहपुर वाला आदमी जो है वो खकनार में पदस्थ है, तो हैं सब लोग आप ही के बीच के। तो डीएफओ साहब से बात कर लेंगे, बात करके पूरी चर्चा करके और एक एक पॉइंट पर उनसे बात कर लेंगे। और करदली का मैं एसडी उनको ईडब्ल्यूआरडी को बुलवाया हूँ, तो ईडब्ल्यूआरडी से बात करके कि मुआवजा क्यों नहीं ले रहे, और अगर बढ़ा हुआ मिलने का प्रावधान है तो बढ़ा हुआ मुआवजा देंगे सरकार, उसमें कोई किसी के जेब से नहीं जा रहा। जो 2013 के तहत अगर हम 13 के तहत हम दे सकते हैं तो हमको 13 के तहत देने में कोई आपत्ति नहीं। सुनो, नहीं नहीं मान लीजिए, एक चीज बताएं आपको, आपको बोलने माइक लीजिए, आप बोलिए, माइक मैं यहाँ पे पहले बता दूं, हम जनसभा में तर्क करने नहीं आए, हमने आपकी बात सुनी, आपको हमने अपनी बात कह दी, ठीक है, इसके बाद जो कार्रवाई हमको करनी है वो हम कार्रवाई करेंगे। हम ये जनसभा या जन अदालत टाइप में तो जवाब नहीं दे पाएंगे ना एक एक बिंदु पे कि अब मैं एक्ट खोल करके चलूं और पूरा डायस लगा के मैं, ठीक है, ये वो सारे मुद्दे नहीं, ऐसा भी कोई काफी लोग बोलिए, मैं डिबेट करने के लिए नहीं आया, मैं बड़ा सीधा सा काम है, आपकी बात मैंने पूरी तरह से, आपने पौन घंटे कहा, मैंने एक शब्द टोका नहीं टोका, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उस पर आप टोकिए, उसके बाद कोई अगर बिंदु रह जाते हैं तो ना मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ना कहीं आप बाहर जा रहे हो, ना माधुरी बहन जी कहीं बाहर जा रही, सब लोग यही हैं। डीएफओ को बुला लेंगे, डीएफओ साहब भी परसों आ जाएंगे, एसीएमपी भी को बुला कर ले लेंगे, और जिस फलिया पे जिस पे कोई दिक्कत हो रही एक एक बिंदु पे एक एक बात पे आपसे बात करके, करदली डैम के लिए भी एक मिनट, परसों ईडब्ल्यूआरडी को भी बुला करके एक एक पॉइंट पे आपसे करदली डैम की बात कर लेंगे, एक एक फाइलों कर लेंगे, और कृपया चाहे तो उन लोगों को भी लेते आइएगा जो सहमति दी, अब उन पे नहीं हम पे है ना, तो हम पे है तो उनको लेते आइएगा जिनकी सहमति नहीं होगी, सामने बैठ करके उसका डिस्पोजल करा ले, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती है, किसी ने आपसे कोई दस्तखत जबरदस्ती कराए नहीं कराए, सब आपके बीच के लोग ही हैं, आप लोग कष्ट हुआ, आप लोग दिन भर से वो हैं, प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ में है, और जितने बिंदुओं पे हम लोग जो आपकी मैक्सिमम मदद कर सकते हैं, जो हम लोगों के उससे हो सकता हम लोग मदद करने के लिए आए, और प्रशासन आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ पे बना हुआ है, नहीं तो जिला ही क्यों बनाया जाता अगर नहीं होते तो। थैंक यू जी। कलेक्टर साहब थोड़ा एक मिनट आप और सुन लीजिए, कलेक्टर साहब हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आज भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन वो हाँ कलेक्टर साहब हमेशा मिलते हैं और अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने को काम भी होना कि नहीं रहे, काम तो अभी 6 महीने से हमको दिख नहीं रहा है, 8 जून को हम लोग सभी लोग आए, आपने भी जो है ना अपने समय काफी सा उस समय आपका व्यस्तता से आपने समय निकाला,
हम सब बैठे, आपने एक वो बनाया, एक सूची बनाई कि कब होगा कौन से गांव में। अब वो 8 जून से 10 सितंबर तक वो नहीं हो पाया है, उल्टा जो है अलग अलग चीजें, मतलब उल्टा वो हो रहा है कि वन विभाग हमला कर रहा है और वो जाके लिख रहा है कि या तो RTF है, वहाँ पूरे खेत दिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं कागज मेरे हाथ में है तो मैं तो RTF लिखूंगा। तो ये एक चीज तो ये। दूसरा, करदली डैम जैसे अन्य डैम भी होंगे आपके जिले में, इन ये जो अन्याय जो हो रहा है, ये एक छोटा सा डैम है, 25 लोगों को मुआवजा अपन नहीं दे सकते का, इतने बड़े इतने पुराने जो है ना मुगलों के समय से जो क्षेत्र है आपका बुरहानपुर और अभी इतना महत्वपूर्ण जिला है, आप 25 लोगों का मुआवजा का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं कलेक्टर साहब, ये तो हमारे लिए बहुत ही हैरानी और मतलब हमको तो बहुत डर लग रहा है कि 25 लोगों के मुआवजा वाले डैम में आप नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बड़े डैम होंगे उनमें क्या होगा। और ये जो पंचायत ये ग्राम सभाओं का फलियावर, इसमें परसों हम लोग ये तय कर लेंगे कि जो आपका ग्राम सभा वाला शेड्यूल है जारी करने का, वो शेड्यूल जारी करा देंगे, तो ये दिक्कत नहीं होगी किस दिन कौन से गांव में लोग जाएंगे। और चूंकि अब गांव चुनिंदा गांव बचे हुए हैं तो कोशिश करेंगे कि उसमें जो गांव वही मतलब जिन गांव में अपने को ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहां पर अपन सीनियर आदमी भेजेंगे, ताकि ये बात ना आए कि साहब कह के चले गए और कोई आदमी आया नहीं, कि साहब वो सेक्रेटरी नहीं आए, पटवारी नहीं आए, या तो सरपंच नहीं आए, या दूसरा कोई नहीं आया, वो कर देंगे सरपंच से वापिक बीच के। तो मेरी समझ से जो कार्रवाइयाँ करनी है वो हम लोग बैठ करके आपके साथ मिलकर रणनीति बना लेंगे। थैंक यू। सामुदायिक दावा का परसों जो है, अच्छा ये रतन भाई सरपंच भी है मांडवा का, और ये बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि जो दावे जो गांव वालों ने भरे वो नहीं आए आपके पास, और वन विभाग के आए। ये साथ ही एक बात यह कि अपनो जो चकनी फसल वाचे करे वार बांजे है ना, और ची वारो जो चकनी फसलों का जे खाई जाए तो वार बांध में फायदू खाई छे है ना, ओसी स्थिति जो चकनी यहाँ भी हिरेन जिला में जो कर्मचारी मानसून सेवा करनो जुगे तेरे करता यहाँ पिस छे, और ची कर्मचारी जो चकनी मानसो का जो चकनी उजाड़ रहा तो मतलब खाई छे, तो ये भी एक बात कोतरी मोटी छे, इन बातों पे अपनों का जानना छे, हैरान करता इन बातें का आगे अपनों बढ़ाना छे। रतन भाई तेरे बात रहे। हम लोगों ने 2016 में सामूहिक दावा भर के खकनार ब्लॉक में जमा कर दिए हैं मांडवा और बाकड़ी, और 2 दिन तक के PDS मशीन घुमा के उसको सिस्टमेटिक ढंग से उसको हमने जमा किया है ना, सारा हमारा जो जो अधिकार जो है वो उसमें लिख के दिया है, तो उसको तो ग्राम सभा लेके और ये जो है वन विभाग वाले को हमने लाख मना किया, उसके बाद में उनने क्या मालूम किससे साइन करवा लिया और ले जाके जमा कर दिया, और दो सामूहिक पट्टा हमारा बन गया करके हमको खबर आई। लेकिन हम वो पट्टा नहीं चाहते हैं, जो है हमारा अधिकार का जो 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 लेना है वो वाला पट्टा हमें चाहिए। तो और जो फॉरेस्ट वाले 13 दिसंबर को 13 अगस्त को आरंभर है 14 अगस्त को मीटिंग में रखे और एक ही दिन में सामुदायिक दावा आधा अधिकार पत्र बन गया, तो इसलिए हमारी बहन को बताना चाहते क्योंकि जानकारी है।